अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर। थिएटर तो पूरा रेडी हो गया, बस स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगने हैं। तो भाई अभी स्कॉर्पियो इनको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि इसका भाई इंश्योरेंस एक्सपायर पड़ा है काफी दिनों से। रुकी तो वैसे भी नहीं हुई कहीं से गाड़ी, बस एक ये ही है रैप जो थोड़ा सा फट गया था, पर इनसे इनको क्या लेना देना इतना। ओ भाई साहब देख रहे हो क्या गाड़ी पार करी है भाई, मतलब भाई बिल्कुल जरा सा 2 इंची और आगे जाती तो टच हो जाती साइड से। ले पार्थ मोटी गड्डी, ओ माय गॉड, पैसे ही पैसे हैं, मामा को दे दे, ओ ले सारे घेर दिए ले भाई। भाई अपने सोलर का काम शुरू हो गया है, यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा है उसके अर्थिंग के लिए। तो 3 अर्थिंग की केबल जानी है जमीन के अंदर, जिसके लिए 3 गड्ढे खोदेंगे यहाँ पार्किंग में ही अपना, और ऐसे ऊपर से बिल्कुल छत से नीचे तक पाइप आएगा ये अर्थिंग के लिए। इसमें से एक तार जाएगी हमारे इस वाले मीटर में, बाकी जाएगी अर्थिंग में। तो नेट मीटर जो लगा के जाएंगे वो यहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे वो? इधर ही लगाएंगे मेन यूनिट में। चेंज होगा मीटर तो बाहर है ना हमारा, अंदर थोड़ी लगेगा वो, बाहर ही लगेगा ना वो तो। ठीक है, तो इस तरह से भाई गड्ढा हो रहा है। ये देखो 3 मार्किंग करी है यहाँ, यहाँ पे एक, यहाँ एक उधर और एक यहाँ पे है ये वाला। लग तो ताम भाई रहा भाई, ये रोड जाती है जमीन के अंदर अर्थिंग के लिए, फिर ऊपर से ये वाले ढक्कन लग जाते हैं ताकि कल को खोलना पड़े वापस, तो बस इसको उठाओ और खुल जाए। तो ये 3 रोड है जो अंदर जाएगी। ऊपर का भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत काम। अब कारपेंटर का काम लास्ट स्टेज पे है, मतलब 4-5 दिन में निपट जाएगा मेरे हिसाब से, फिर पेंट का काम शुरू होगा। तो ये हमारी किचन आ गई थी फैक्ट्री से ही, अभी आधी अधूरी लगी पड़ी है, ये भी पूरी नहीं लगी। बाकी दरवाजों की कीले वीले अंदर करी जा रही है ताकि पेंटर अपना बेस बनाना शुरू कर दे। जैसे ये दरवाजा है तो यहाँ पे अब फिलिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पे कीलों के निशान थे वहाँ पे पुट्टी भरी जा रही है ताकि छेद भर जाए, उसके बाद बेस बनेगा। बाकी ये वैनिटी रेडी हो रही है इस वाले रूम की, वो आगे वाले दोनों रूम की तो वैनिटी रेडी हो चुकी है, सिर्फ एक पीछे की रह गई है। इधर के भी देखो डोर्स वगैरह लगा दिए हैं, लॉक भी गला दिए इनके, यहाँ पे भी डोर लग गया है। ये केशव के बाथरूम की वैनिटी और ये केशव की अलमीरा भी पूरी हो गई है, बस अब हैंडल लगने हैं जो अभी आ रहे हैं तो ये लगा देंगे। तो मस्त लग रहा है ना, ग्रीन कलर केशव का रूम जो है वो पूरा ग्रीन कलर की थीम पे बेस्ड है इसका। जैसे टीवी यूनिट भी ग्रीन बनेगी, यहाँ जो लूवर्स आएंगे ये भी ग्रीन लगेंगे, जो बेड का बैक कपड़ा बनेगा वो भी ग्रीन लगेगा, तो ग्रीन ग्रीन रूम हो जाएगा पूरा। और ये टीवी यूनिट भी आधी तो हो गई है, बीच की माइका लगनी थी, अब दोनों तरफ लूवर लगेंगे उधर भी इधर भी, तो फिर ये टीवी यूनिट भी कंप्लीट, बस इस पे पेंट होगा। अब दिखाता हूँ मैं अपने वाला रूम, पुराने वाला जिसमें मैं रहता था। तो यहाँ पे तो यही सेम डिजाइन मोल्डिंग वाला जो पहले था वैसे ही सेम करवा लिया, बस 2 डब्बों की जगह 1 बक्सा लगा दिया। एंड इधर ये वाली टीवी पैनल की दीवार इस तरह से लग रही है, ये ग्रूव कटवा दी है तो पेंट हो जाएगा, और नीचे टीवी यूनिट है। बाकी दरवाजे वगैरह टांग दिए गए हैं, यहाँ के भी टांग दिए, लोग गला रहे हैं अब सबके। और ये रही मेरी भाई वैनिटी, ये भी हो ही गई है 90%, बस अभी हो जाएगी पूरी की पूरी। बालकनी की टाइल्स भी लग गई है, बस साफ सफाई होनी है। अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर। थिएटर तो पूरा रेडी हो गया है, बस स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगने हैं। एंड अभी ये बोर्ड उतारे जा रहे हैं नीचे, ये मैंने बंद कर रखा है थिएटर ताकि धूल मिट्टी अंदर अब जाए ना। ये दरवाजा लग गया है मेरे कमरे का। एंड ये मैं आपको दिखाई चुका था, अलमीरा भी फाइनल हो गई है, ऊपर से देखो बंद कर दी है, बस अब इसके हैंडल लगेंगे वो भी आ रहे हैं। बेड मेरा बन चुका था, साइड टेबल बन चुकी थी। टीवी यूनिट में थोड़ा सा काम रह रहा है, 2-3 घंटे का काम है, बस वो फिट हो जाएंगे ना। ये मैं फैन लाया था जो आपको दिखाए थे, ये कटने हैं और उसके बाद टीवी यूनिट भी फाइनल है पेंट होने के लिए पीयू। ये दरवाजा रेडी है, ये भी टंग जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरी वॉल हिडन हो जाएगी, मतलब दरवाजा दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा हाइड हो गया सब। तो भाई अभी स्कॉर्पियो इनको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि इसका भाई इंश्योरेंस एक्सपायर पड़ा है काफी दिनों से। थर्ड पार्टी वाला तो होता ही है 5 साल का, बट जो 0 डेप्थ वाला है वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। और एक बार अगर एक्सपायर हो गया तो रिन्यू करवाने के लिए ना इंस्पेक्शन होता है। अब मेरी गाड़ी बाहर थी तो इंस्पेक्शन हो नहीं पा रहा था, अब फाइनली जाके इंस्पेक्शन वाले भैया आए, इंडिया गाड़ी आई जब, तो करवा लेते हैं फटाफट। चलो भाई ओपन एरिया में लगा लिए, थोड़ा घर से दूर क्योंकि वहाँ गलियों में तो ट्रैफिक लग जाता। फिर अभी भैया फोटो वगैरह ले रहे हैं गाड़ी की, चारों तरफ से अच्छे से इंस्पेक्शन हो जाएगी। ठुकी तो वैसे भी नहीं हुई कहीं से गाड़ी, बस एक ये ही है रैप जो थोड़ा सा फट गया था, पर इनसे इनको क्या लेना देना इतना। बाकी यार गाड़ी अपनी चल चुकी है 37,321 किलोमीटर। बाकी साफ सुथरी गाड़ी है, मैट उस दिन चेंज करवाई लिए थे, लाइटें भी लगवा ली मस्त मस्त सी। एक बार बस अच्छे से ड्राई क्लीन करवा लेंगे पूरी गाड़ी को इंटरनली, ताकि उसके बाद फिर मस्त चमक जाएगी। चलो भाई हो गया है इंस्पेक्शन, 5 मिनट ही लगे, फोटो वोटो लेते हैं RC की फोटो मीटर वगैरह की। अब इसके बाद मेरे पास कोटेशन आएगा, मेरे ख्याल से देखते कितने की बनेगी, उस हिसाब से फिर फाइनल करके डन कर देंगे। अब मैं इसलिए गाड़ी को बाहर नहीं निकाल रहा था क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है भाई, चोरी हो गई ठुक गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार इंश्योरेंस बन गया फिर अपना निकाल सकते हैं गाड़ी को हम बाहर, और घूमना फिरना भी कर सकते हैं इसमें इंडिया इंडिया में। चलो भाई चलो वापस से अंदर लगा दिए गाड़ी, लेट्स गो भाई।
सेफ है घर के अंदर। सही है भाई, घर के अंदर ना पार्किंग होनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस के लिए, जब इंश्योरेंस खत्म हो जाए तो घर के अंदर सेफ्टी तो रहती है, गाड़ी कौन ही ले जाएगा अंदर। होपफुली 3-4 घंटे में इंश्योरेंस की कॉपी आ जाएगी मेरे फोन में, देन मेरी टेंशन जिंदगी की खत्म इस गाड़ी को लेके। इसको सर्विस सेंटर भी ले जाना है, कुछ इनका पता नहीं क्या अपडेट आया हुआ है पुली का। ओ भाई साहब देख रहे हो क्या गाड़ी पार करी है भाई, ओए होए, मतलब भाई बिल्कुल जरा सा 2 इंची और आगे जाती तो टच हो जाती साइड से। पार्किंग भैया हैवी ड्राइवर, लेट्स गो, बंद करते हैं। हमें कह रहे थे इसको सर्विस सेंटर पे जाना है, सर्विस सेंटर वालों को खुद से कॉल आया था कि कोई पुली की अपडेट है, हैं? भिगवा दो अभी, ये क्या जगह ही नहीं है यहाँ पे, क्या रखेंगे? लो भाई ये गड्ढे 3 हो गए, रोड भी डाल दी और ऊपर से ढक्कन भी, अभी ये भरेंगे कैसे साइडों का? केमिकल डालोगे? ठीक है, नहीं लेवल इससे इसके लेवल पे दोगे, नीचे दोगे इससे? ठीक है, हाँ टाइल लगाएंगे ना, थोड़ा सा उसको उभार लेना 1 इंची करके, उसके बाद हाँ 1 इंची सबको उभार लेना, उसके बाद में इसके भरत कर देना, इसके ऊपर टाइल लगानी है ना भाई। नेक्सोन में ना पहले से ही एसी चला दिया था घर बैठे बैठे, और अब अंदर आया तो मस्त, ठंडा तो नहीं कह सकते बट गर्म भी नहीं हो रही है गाड़ी। बढ़िया फीचर है भाई रिमोट वाला ना, मतलब मोबाइल के ऐप से ही सब कुछ ऑन हो जाता है एसी। मतलब अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ ऑफिस, वहाँ पे अपने जो सीए है वो आ रहे है, मीटिंग है आज, 2-3 घंटे लगेंगे क्योंकि ये जो जून जुलाई का महीना है ये ITR और टैक्सीज वगैरह पे करने का महीना है, तो इस टाइम पे सारी स्टेटमेंट वगैरह डिस्कशन वगैरह करना पड़ता है, तो वही आज निपटा लेंगे क्योंकि मुझे फिर आज रात को निकलना भी है सोनीपत के लिए, शूट है मेरे 2 दिन और मैं परसों आऊँगा, फिर 2 दिन का कल ही शूट है, परसों आ जाऊँगा दोपहर या शाम तक, तो चलो पहले ये काम निपटाए ऑफिस जाके। लो जी लो ऑफिस पहुँच गए है, ये गद्दे अभी बिछा रखे है क्योंकि रात को कभी रुकना पड़ जाता है ना स्टूडियो में तो यहीं सो जाते हैं, फिर मस्त 2 गड्ढे हैं। आज तो आए नहीं, घर पे ही है वो, तो मैं आ गया, खाली मीटिंग है बस, उसके बाद निकल जाऊंगा। एक बार अर्बन कंपनी को बुला के बाथरूम भी साफ सोच रहा हूँ करवा ही लूँ अच्छे से। पूरे इसमें ना एक ही एसी लगा हुआ है तो ये बड़ी टाइम लगा देते हैं ठंडा करने में, मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है। अगर 2 एसी हो ना, एक उधर भी लग जाए तो जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये एरिया बड़ा है, एसी 2 टन का ही है खाली, फिर ये पंखा लगाना पड़ता है वरना आते ही बैठा नहीं जाता। अब सही है। Later that same evening. यार इन्होंने तो अभी कुछ ज्यादा काम किया ही नहीं, बस उस वाली छत पे पूरा बेस बना दिया है पैनल लगाने के लिए और एक ये वाला बेस बनाया है, एक बेस इधर भी बनना है टंकी के ऊपर भी छाए रहे ताकि पूरी, तो यहाँ भी पैनल लगेंगे तो वो भी नहीं लगा। 11 पैनल वहां लगने हैं हमारे, 4 यहाँ तो 15, 11 और 4 15 और 6 पैनल लगेंगे यहाँ ऐसे, तो 15 और 6 21, टोटल 21 पैनल है। आई गेस 12 किलोवाट का है ये पूरा सिस्टम। आज कोई आया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ सामान, ये तो इन्होंने कस दिया शायद से। हाँ अब देखो, इसलिए मैंने टाइलें नहीं लगवाई थी क्योंकि टाइल लगवा लेता तो अब वो टाइलें ही तोड़ देते पूरी, तो अब एक बार ये बेस लग गया अब टाइलें लगवा लूंगा, दिक्कत नहीं अपने को। ये सामान भी सारा यहीं छोड़ के गए हुए हैं हम, ये देखो भाई। चलो भाई गाड़ी अपनी फुली चार्ज है, इसको लेके निकलना है अभी। ओहो हो, पार तो पहले ही अंदर बैठा हुआ है। चलो जी, 100% बैटरी है एंड अराउंड 271 की रेंज है। तो भाई लोग आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक ब्रांड के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन किया था एंड मैंने बोला था कि उस ब्रांड के उस कैंपेन से जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो सब मैं डोनेट कर आऊंगा एक गौशाला में गुड़गांव में। तो काफी दिन से वो पेंडिंग थे, पहले अपना पेपाल के थ्रू आने थे, उसमें बहुत डिले हो गया, फिर जब फाइनली आया तो मैं थोड़ा घर का काम में बिजी था तो मैं जा नहीं पाया, पर मैंने सोचा अब डेली नहीं करनी चाहिए, आज चलते हैं। अब वैसे तो मैं बिना वीडियो के भी जाके वहां डोनेट कर सकता था बट फिर कई लोगों के दिमाग में रह जाता कि करे भी है या नहीं करे डोनेट, तो मैंने कहा वीडियो बनाना ही सही है कि वीडियो में दिखा देंगे कि हाँ भैया जो पैसे आए थे वो डोनेट कर दिया, कितने आए थे वो भी दिखाता हूँ एग्जैक्ट, मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए ना। तो ये था वो अमाउंट भाई, 32,279 रुपीज, तो 3,300 रुपए के आसपास है, ये हम पूरा डोनेट कर देंगे। और वहाँ पे मेरे ख्याल पेटीएम वगैरह तो लेते नहीं है, इसलिए अभी मैं एक ATM में आया हूँ, कैश निकलवाने पड़ेंगे मुझे ये, और देके फाइनली अपना टेंशन खत्म होगी कि हाँ हैंड ओवर कर दिए। पार्थ भी चल रहा है अपने साथ और मामा भी चल रहे हैं तो पहले मैं कैश निकालू, तो बैठे रहना ये ठीक है। ओ भाई साहब बाहर तो बहुत गर्मी है, एकदम से एसी से निकलो ना हालत खराब हो जाती है। हाय हाय, ये तो बंद पड़ा ATM, अंडर मेंटेनेंस। गाड़ी देखना क्या लगती है भाई साहब, धासु होए होए होए, मजेदार। देखना पड़ेगा शायद गौशाला के आसपास भी कोई ATM होगा या रस्ते में दिखेगा तो रस्ते से निकाल लेंगे, पकड़ ले पास। चलो जी चलो चले वापस। चलो भाई फाइनली निकल ही गए भाई से, जल्दी चलते हैं। कॉल लेट्स गो भाई। ले पार्थ मोटी गड्डी, ओ माय गॉड, पैसे ही पैसे हैं, मामा को दे दे। ओले सारे घेर दिए, ले भाई
ऐसे क्या बाहर यार, इतने पैसे तूने सारे घेर दिए, बता उठाने तो मेरे को ही पड़ रहे। तो पड़ तो रहे पर गेरे क्यों, गलती से गिर गए? चलो चलो भाई चलो जल्दी चल दे रहे करने दो सेट ला। ये पहुंच गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा भीड़ भड़का ज्यादा है, गाड़ी ले जाने की दिक्कत। ये ऊपर देख सकते हो आप, श्री गुड़गांव गर्मशाला सभा, यहीं पे ही हमें देनी है। लेट्स गो भैया, गाड़ी चली जाएगी ना। चलो जी आ गए हैं, चलो जी पहुंच गए हैं यहाँ पे। चारा भी डाल देते हैं और साथ ही साथ पैसे भी दे देते हैं। चलो भाई चलो उतरो उतरो फटाफट उतरो। चलो जी डोनेशन हो गई है, बस चारा डाल के फिर निकलते हैं। पर्ची भी आपको दिखा दूंगा कि कर दिया जी डोनेट। ये देख सकते हो 32,300 रुपीस की एक पर्ची और 100 रुपए का हमने यहाँ चारा चढ़ाया है, उसकी अलग से मैंने पर्ची कटवा ली है। चलो जी रख लो। और जो लोग यहाँ ज्यादा डोनेशन देते हैं ना, उनको एक शील्ड भी देते हैं, तो वो कह रहे हैं अभी लेटेस्ट शील्ड तो है नहीं, पुरानी शील्ड पड़ी है, उन्होंने वो दे दी और फोटो भी खिंचवाई, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये इस तरह की शील्ड है भाई जो इन्होंने दी है, मतलब एज अ ट्रॉफी समझ लो आपकी डोनेशन टाइप की। ये देखो भाई कुछ इस तरह की है, 2018 की है, बट जैसे कि उन्होंने बताया था पुरानी है, लेटेस्ट नहीं है। चलो कोई नहीं, रख लो भाई पार्थ। चले भाई अब चलो जी, चलो चलते हैं घर पे। शिवानी और आ रहे हैं अभी, आज डिनर है, शायद पार्थोरों के घर ही जाएंगे क्योंकि हमारे घर की तो हालत आपको पता ही है क्या हुई पड़ी है। थोड़ी देर के लिए हमारे घर आएंगे, फिर हम सब जो लोग जाएंगे इनके घर पे। ओए होए डिनर आज तो मजे ही मजे, लेट्स गो जी। नमस्ते जी, नमस्ते। भारी है अभी आप के जाएंगे ना, क्या करना है? अच्छा चलो चलो जी, खाना वाना खा लिया है, अब निकलेंगे घर। जिलो आज वापस से आ गए हम क्रिकेट खेलने के लिए, बॉक्स क्रिकेट। लास्ट लास्ट लोग में मैंने कहा था आपको, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, वो चैनल बनाया है, जो भी इंटरेस्टेड है गुड़गांव में या गुड़गांव के आसपास के शहरों में क्रिकेट खेलने के लिए हमारे साथ एज अ टूर्नामेंट, तो वो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको जल्दी ही अनाउंसमेंट दी जाएगी, तो इसलिए फटाफट चले जाओ। तो हम आते हैं भाई यहाँ पर अभी तो फिलहाल के लिए, काफी दूर दूर है सारे घर से, मतलब 30-35 मिनट लग जाते हैं आने में हमेशा। और सही ग्राउंड है, इसकी सीलिंग छोटी है थोड़ी, बट वैसे ओवरऑल ठीक है, अच्छा ग्राउंड। 1 hour later भाई रात के 12 बज गए हैं और इस टाइम पे सोलर वाले सोलर पैनल लेकर आए, वो कह रहे थे कुछ नो एंट्री का चक्कर है तो रात को ही ला सकते हैं, बड़ा ट्रक होगा शायद से, तो वो सारे सोलर पैनल जितने भी शीट्स है वो रखवानी है पीछे, 10-15 मिनट ही लगेगी। पर ब्रूनो को अंदर ही लेटे रहने देता हूँ कमरे में, ना बाहर तो ले जा नहीं सकते। चल जी चलो, सोलर पैनल की प्लेट्स उतरवाए, स्ट्रक्चर लग चुका है, कल ही सुबह दिखाऊंगा आपको, होपफुली कल परसों में सारी शीट्स भी रख के अपना सोलर सिस्टम चालू हो जाए। सीधा ले जाओ बिल्कुल। चलो जी ऐसे 21 पैनल है टोटल रखवा देते हैं पीछे। मुझे लगा था भाई काफी भारी होंगे, बट इतने ज्यादा भारी नहीं है, और ये अदानी कंपनी के है यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ देखो, अदानी मेड इन इंडिया। एक इनके बाद दूसरा ब्रांड भी था, वो थोड़े सस्ते थे, बट मैंने कहा नहीं बढ़िया वाले लगाओ। वारंटी वगैरह क्या है, जब मैं वो प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा सोलर सिस्टम के ऊपर तब आपको बताऊंगा, मेरे ख्याल 20-25 साल की वारंटी होती है। और इसका जो इन्वर्टर आएगा वो हेवल्स का आएगा, ये अदानी के है सारे सिस्टम। एक्सोन भी अपनी चार्ज हो रही है, 2-2.5 घंटे शायद और लगेंगे, फुल हो जाएगी, 2.5 भी नहीं अब तो 1-1.5 घंटे ही लगेगा, फुल हो जाएगी। और ये ऑटो कट हो जाता है तो हम तो सो भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सुबह जो है उठ के वो MCV को ऐसे डाउन मार दो, वो खड़ी अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। लेट्स गो भाई, 21 के 21 हो गए, एक बार मैं गिन भी लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अभी इसके साथ जो इन्वर्टर आते हैं ना वो नहीं आया, खाली पैनल ही आया है, इन्वर्टर शायद कल आ जाएगा। ये पैनल भी जयपुर से आया है, प्लेन को आते आते मेरे को लग रहा है काफी लेट हो गया रात को, मन का आई गया तो कुछ नहीं रखवा लेते हैं। चलो जी लाइटें शाइटें बंद करें। चलो भाई घर वापस आ गया हूँ, थकान हो, मैं टेल देम गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना।